आज की यार ये वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि जो ड्यूक 250 आती है उसकी ड्रैग रेस सीवीआर से कराएं। तो ड्यूक 250 अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हस्क्वर्ना की जो विटप्रिन है उसमें ड्यूक वाला इंजन है, सेम पावर फिगर है। इसमें 30 PS की पावर है, 30 BHP पावर देती है, उसके साथ ही 24 Nm टॉर्क है इस बाइक में। उसके साथ ही CVR है, उसमें 26 BHP की पावर आती है और 23 Nm के आसपास टॉर्क है। तो टॉर्क एंड पावर दोनों ही हस्क्वर्ना में ज़्यादा है, 4 BHP ज़्यादा है और 1 Nm टॉर्क ज़्यादा है। तो आज की ड्रैग रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आप लोग काफ़ी वेट भी कर रहे थे। तो इस वीडियो में इन दोनों बाइक का रिजल्ट देखेंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक रोड की वजह से माफ़ करना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वीर जी आदि रहा और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। हस्क्वर्ना आगे निकल आई है भाई, जैसे मुझे बिलीव मतलब ऐसा लग रहा था कि इनिशियल में हस्क्वर्ना आगे आएगी लेकिन टॉप एंड पे CVR आगे जाएगी, लेकिन इसने तो CVR को बहुत आसानी से पीछे छोड़ दिया। अभी एक बार राइडर चेंज करेंगे, मैं CVR चलाऊंगा और वो भाई हस्क्वर्ना चलाएंगे, तब एक्चुअल रिजल्ट पता लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनका लॉन्च इतना परफेक्ट नहीं था। स्पीड गई है 156 यार, बहुत ज्यादा गैप बना रही है बाइक। तो मुझे तो थोड़ा यकीन नहीं हो रहा यार, सही बताऊं तो। अब राइडर चेंज कर लेते हैं, एक बार राइडर चेंज करके देखते हैं कितना फर्क आता है। लेकिन आगे निकलने वाली है भाई, बढ़िया लग रही है एकदम भाई। CVR अपने पीछे जा रही है, आगे निकाल रहा है, आगे निकाल रहा है, अब आगे निकल रही है। मैं एक चीज बता दूं कि दोनों बाइक काफी अच्छी लग रही है, लेकिन CVR एक अटैम्प और हो जाए ना, एक अटैम्प और बनता है यार। ये रेस वैसे मज़ेदार थी, हस्क्वर्ना थोड़ी फास्ट है। आप इसको थोड़ा इतने अच्छे से खेच नहीं रहे हो, आप इसको आपने इसको अच्छे से चला नहीं पा रहे हो। हाँ तो हुआ क्या, यही तो हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे नीचे भी झुकना चाहिए, तो ऊपर था ना, वो चीज़ तो आपने गलत की। हाँ हाँ, झुक के भगाना पड़ता है, इसमें तो ऑलरेडी आप झुक जाते हो, इसमें झुकना पड़ता है क्योंकि इसकी सीटिंग पोजीशन थोड़ी कम्फर्टेबल है। हाँ
अभी 166 167 गई है अभी। क्योंकि जो ऊपर गई ये कितनी गई है? ये 153। ये 166 के आसपास टच किया है इसने। तो अब मैं ऊपर बैठा हुआ था जैसे अभी ऐसे, अब मैं आराम चला रहा था इसको। हाँ क्या इस पे तो मुझे आदत नीचे झुकना है। नीचे झुकना पड़ता है इस पे भी अगर भगानी है तो। तो चलो एक एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं, है ना। वैसे अब मेरे को एक्यूरेट पता लगा, सीवियर स्लो नहीं है, दोनों बाइक इक्वल सी है। अभी एक अटेम्प्ट और कर लेते हैं। से मैंने काफ़ी गैप बना लिया था और पता नहीं क्यों ज़्यादा गैप नहीं बनना चाहिए दोनों बाइकों में। एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों ही बाइक काफ़ी अच्छी भग रही है और इक्वल सा भग रही है, बहुत ही गैप, ज़्यादा गैप नहीं है। इनिशियल मुझे पता नहीं क्यों हस्कवर्ना का थोड़ा सा अच्छा लगा, इनिशियल टॉप एंड इसका अच्छा है, टॉप एंड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे निकल जाती है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि जैसे कोई चढ़ाई आती है ना तो वहाँ पे हस्कवर्ना थोड़ी सी पीछे हो जाती है, ये वहीं रहती है, स्टेबल रहती है उस जगह पर, तो वहाँ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना यार, वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट आपको मिलती रहेगी, अच्छे अच्छे फोटोज, वार्तालाप अपन करते रहेंगे, बातचीत अपनी होती रहेगी,
तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो, मस्त रहो और खुश रहो यार।